गुड इवनिंग। मैं फेसबुक लाइव में फिर से आया हूँ। बहुत न्यूज़ आ रहे हैं फेसबुक में कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि समटाइम्स वन शुड कम डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ आर पीपल डायरेक्टली थ्रू फेसबुक। एंड डायरेक्टली अगर मैं सबसे कम्युनिकेट करूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसी के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। इस समय हम सब दिल्ली में हैं, लोकसभा इलेक्शन सामने हैं, तो बहुत मेरे मोबाइल में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और र्यूमर्स सब जगह में हैं। तो मुझे लगा कि आप काइंडली फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप में प्लीज डू नॉट गो लाइक दैट। आई एम द पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा, और कोई भी अगर आपको खबर मिले विदाउट वेरिफिकेशन, आप र्यूमर्स और अफवाह में मत जाइए। तो इसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ। में दो तीन बात और भी करना था। पहला बात है कि मैं शुरुआत में कह दूँ सबको कि अभी तक कोई कैंडिडेट्स का लिस्ट रिलीज नहीं हुआ है रिगार्डिंग त्रिपुरा। जो मैंने भी मीडिया में देखा है, मुझे बहुत मिस कॉल्स आ रहे हैं मेरे मोबाइल में रिगार्डिंग कि हमने कोई कैंडिडेट्स का नाम ईस्ट और वेस्ट के लिए रिलीज किया है, तो दैट इज नॉट ट्रू। कोई लिस्ट रिलीज हुआ नहीं है। तो ये मैं अभी सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक दोनों सीट का लिस्ट नाम बाहर आया नहीं है। आप र्यूमा र्यूमा अफवाह में मत जाइए। जब होगा तो सबसे पहले मैं ही आपको, मीडिया को और सबको बताऊंगा। सेकंड चीज है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कॉकबोरोक टू बी इंक्लूडेड इन द एट शेड्यूल एंड इन रोमन स्क्रिप्ट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। मैंने असेंबली में भी देखा कि आईपीएफटी के एक एमएलए ने ये प्रस्ताव रखा था, तब रामपद ने कहा था कि नहीं होगा। आई मीन ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने हमेशा कहा है कि हमको डिसीजन लेना चाहिए ऑन जेन्यूटी। अगर हमने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया तो हमारे लिए ही बाद में नुकसान होता है। नौकरी के आधार में आप देखेंगे, अगर आपको बाहर जाके कहीं में भी नौकरी चाहिए तो यू नीड टू हैव इंग्लिश एजुकेशन। मैं क्लियरली अब स्टेट करना चाहता हूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ में अनाउंसमेंट किया गया है कि कांग्रेस विल रिकॉग्नाइज कॉकबोरोक इन द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स एन अश्योरेंस इन रिटन बाय द कांग्रेस पार्टी, लिख के उन्होंने लीगल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग आए हैं। और दूसरा है कि कॉकबोरोक अब से अगर कांग्रेस पावर में आई दिल्ली में, तो कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाएगा। ये हम अपने मैनिफेस्टो में भी रख रहे हैं और ये अब ओपन, ये मैंने खुला कह दिया है कि ये ऑफिशियल पोजीशन रहेगा कांग्रेस पार्टी का कि कॉकबोरोक अब रोमन स्क्रिप्ट में सिखाया जाएगा। और अगर कोई सवाल है आपको अगर पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। जी, गुड इवनिंग किशन देव वर्मा, गुड इवनिंग सुनील कलोय, हेलो बिप्लब दास, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वेल आई लव यू टू बिप्लब स्पैरो, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। नो नो अनाउंसमेंट हैज बीन डन राइट नाउ रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जब ये क्लियर होगा तो आप ही को मैं सबसे पहले ये बात बताऊंगा। आप काइंडली र्यूमर्स में मत जाइए, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। रिया देव वर्मा, ईस्ट त्रिपुरा हो या वेस्ट त्रिपुरा हो, हुएवर द कैंडिडेट विल बी, इट विल बी द कैंडिडेट विच कैन डिफीट द बीजेपी। एंड मैं पहले भी कहता था पुइला जाति उलो पार्टी, आज भी मैं कहूंगा कि हमको एक होके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फॉरेस्ट बिल, कॉकबोरोक इन इंग्लिश लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट, ये सब इश्यूज हैं ईस्ट त्रिपुरा में, एंड वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। डायरेक्ट पावर टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगेन इन रिटन,
And we should work on something which will give dignity to our people. Good evening. Good evening. Kisi ko koi sawal ho, to you're most welcome to ask me. Border Jamati, the first thing I'll do if Congress comes to power is give direct funding to the Autonomous District Council. Also make it a planning body. I think Autonomous District Council mein hum log direct power jab tak hum nahi denge, to ye development, lack of development hoga nahi. Second cheez main karunga ki jo hamare 10,323 teachers hai, unko main relief launga. Teesra baat hai ki hum jhoote promises nahi karenge. Agar humko development lana hai, to English education hamare gaon mein humko compulsory lana hai. Agar employment lana hai, to gaye aur paan bech ke nahi hoga. हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइट पेपर निकालना चाहिए कि किस फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं. मुझे लगता है कि शंकर शुभ्र चंडा, आई एम नॉट प्लेइंग विद द पुअर पर्सन ऑफ त्रिपुरा एंड आई डोंट थिंक यू आर अ पुअर पर्सन ऑफ त्रिपुरा. मुझे जहां तक लगता है कि विल द कांग्रेस पार्टी अलाई विद आईपीएफटी, इफ द आईपीएफटी कम्स इन आस्क्स अलायंस, व्हाई नॉट, वी कैन लुक इनटू इट. आई एम नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, we want the BJP not to pass the citizenship amendment bill in the parliament, and any party which is willing to think along those lines is most welcome to join me. Yes. Kokborok should be in the age schedule, and we have promised it. It's in writing, and Roman script is there in Kokborok. Yes, this is my, it was my commitment. Dekho, main jhoot nahi bolta hun. मैंने हमेशा कहा है कि झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करना गलत बात होता है. इसी के लिए मैंने ये कमिटमेंट राइटिंग में लिया है, लीगल डॉक्यूमेंट में लिया है. मैं सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करूंगा इलेक्शन के बाद, अब ये कमिटमेंट है हमारा. अमूल्य देव वर्मा, वी आर गोइंग टू ऑनर द टीएनवी एंड द एटीटीएफ अकॉर्ड एज वेल. नो, इट इज नॉट अगेंस्ट द बंगालीज. आई बिलीव चंदन चैटर्जी जी दैट द बंगाली पीपल शुड ऑल्सो लर्न English. A Bengali student who does not learn English does not get job outside Bengal or Tripura. If a Bengali youth has to get jobs in Bangalore, Delhi, Hyderabad, Bombay, he has to have some understanding of the English language. And the Tripuri people want to learn it in Roman script. Why do you have a problem? Nobody is telling the Bengali script to end for Bengali students. Yes, Sashank Chakravarti. Hi, how are you, Sashank? Good to hear. I'm going to get it in writing that the Autonomous Territorial Council should have direct. देखो, empowerment बहुत लंबा 14 शब्द है. Direct funding from center. The Autonomous Territorial Council should get direct funding from center. It should have its own planning, and the land and revenue and education and roads should come directly under the Autonomous Territorial Council. So it is my clear commitment that we will explore all provisions jo hamare samvidhan ke andar hai ki direct funding for the Autonomous Territorial District Council जो कहा जाता था, उसके लिए direct funding हो. और ये मैं लिखित Congress government से मैं लेकर आऊंगा. I agree that tourism should go in Tripura. मैं मानता हूं कि tourism has huge potential in Tripura, and we need to also invite people जो हमें tourism को आप सिर्फ अगरतला में नहीं रख के आपको tourism districts में ले जाना पड़ेगा, जहां में अच्छे hotels हो, जहां में अच्छे guest house हो. हमारी जो plane की connectivity है आज के दिन इतनी खराब है. हम चाहते हैं कि connectivity improve हो. और ये सब चीज देखिए, आज तक सिर्फ आंचलिक पार्टी ही ये सब पॉइंट्स उठा रहे थे. अब नेशनल पार्टी, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं, नेशनल पार्टी भी ये पॉइंट्स उठा रही है. तो
तो इसका मतलब है कि अब जो आंचलिक पार्टी बोल रहा था, अब नेशनल पार्टी भी वही भाषा का प्रयोग करेगा। हेलो डेविड हमक्राई, डेविड मोरा सिंह, हाउ आर यू? यस आकाश पुला जाति, आई एम नॉट प्लेइंग पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग। व्हाट इज माय स्ट्रेटजी फॉर त्रिपुरा? कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर येट, आई डोंट थिंक। अरे क्यों कांग्रेस ही डिक्लेयर करे? बीजेपी ने भी तो डिक्लेयर नहीं किया है, आईपीएफ टी ने भी तो डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ सीपीएम ने किया है। हम पॉलिटिक्स शतरंज का गेम होता है, हम भी देखेंगे वो क्या करेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे। यस क्रिस्टोफर दे बर्मा, एनीवन हु इज ऑब्जेक्टिंग, जो भी ऑब्जेक्ट कर रहा है कि रोमन स्क्रिप्ट कॉकब्रॉक में नहीं आना चाहिए, वो अगेंस्ट द बंगाली है, वो गलत कह रहा है। किसी ने बंगाली स्क्रिप्ट को हटाने के लिए नहीं कहा है, जो बंगाली स्क्रिप्ट में पढ़ना चाहते वो पढ़े, लेकिन कॉक बोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए और कॉक बोरॉक को 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में होना चाहिए। और ये मैंने लिखित गारंटी कांग्रेस प्रेसिडेंट से मैं लेकर आया हूं, कल आप सब देख सकेंगे। हाय डैनियल फ्रॉम बैंगलोर, यू फ्रॉम सब रूम, आई एम प्राउड ऑफ यू टू डैनियल। जब भी यू वॉन्ट टू कम टू त्रिपुरा, प्लीज गेट इन टच विथ मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मीट यू। मोहम्मद सलाहम हुसैन, यस ग्राउंड लेवल में कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ अभी आपसे, और कभी भी आप मिलना चाहे तो मैं मिलूंगा। अभी तक मैं और एक बात फिर से कह रहा चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप न्यूज में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं वो गलत बात है, अभी तक त्रिपुरा के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ नहीं है। वेल आई एम अ गुड पॉलिटिशियन मोहम्मद दुलो खान, वेल मोर देन अ इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग। गुड पॉलिटिशियन डज नॉट हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, बट अ गुड ह्यूमन बींग कैन डेफिनेटली हेल्प हिज पीपल। हाँ बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए मेरे मोबाइल में मैसेजेस आते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं हुए हैं, आने वाले दिन में होंगे। और राहुल गांधी 20 तारीख को खुमुलुंग में आ रहा है, त्रिपुरा राहुल गांधी 20 तारीख को आ रहा है, और जो बात मैंने कहा है, जो मैंने राइटिंग में कहा, वही बात राहुल गांधी सबको बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द उनके उनसे भी आना चाहिए, सिर्फ मुझे बोलने से नहीं होगा। नहीं स्वपन, मैं चंदन, व्हाट इज चंदन सिंह? चंदन इंग्लिश स्क्रिप्ट में आने से बंगाली के खिलाफ क्या है? कुछ बंगाली के खिलाफ नहीं है, बंगाली बहुत अच्छा भाषा है, बंगाली इज ए वेरी स्वीट लैंग्वेज, बंगाली स्क्रिप्ट बंगाली जगह में रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई तो नहीं कह रहा कि बंगाली स्क्रिप्ट को हटाओ, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉक बोरॉक को आप अब रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ाओ। अमूल्य दे बर्मा, आई एम टॉकिंग टू ऑल इंडिजिनियस पार्टीज, मेरा बात विजय रामखोल से हो रहा है, अनिमेश से हो रहा है, अघोर दे बर्मा से हो रहा है, मैंने आज ही पटल कन्या से भी मेरी डिस्कशंस हुई, दो शी इज नॉट अ पोलिटिकल पार्टी राइट नाउ। मेरा बात शुक्ला से होता है, नुआतिया से होता है, आईपीएफटी यूथ से भी बहुत बात होता है। मैं तो सबको दिल से प्यार करता हूँ, मैं अपने कम्युनिटी में सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी का, समाज का उद्धार हो। तो इलेक्शंस 5 साल में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन समाज को एक होकर बात करना चाहिए। इसी के लिए मैंने कहा है कि क्यों नहीं। थैंक यू अफासुद्दीन जी। माइनाक मस मस चरक, डोंट यू थिंक अलाइंग विद द लेफ्ट वुड हेल्प यू टू गेट टू और टू? सी द कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस पार्टी हैव बीन ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर, एंड आई डोंट थिंक द सीपीएम वॉन्ट टू अलाइ विद कांग्रेस, एंड आई डोंट थिंक द कांग्रेस वर्कर्स वॉन्ट टू गो विद सीपीएम।
हमको अपने वर्कर्स का सेंटिमेंट ठीक रखना वो मानना पड़ेगा। इसी के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़ रहे हैं, जितेंद्र चौधरी ईस्ट से लड़ रहा है, अपने दूसरे शंकर जी लड़ रहे हैं अपने वेस्ट से, उनको लड़ने दीजिए, ऑल द बेस्ट। लेकिन हम सीपीएम से अलाइन नहीं करेंगे। बिस्मार्क, आई लव महाराजा एंड पटल कन्या। देखिए, पटल कन्या अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन मेरी बात होती रहती है। वो उनका व्यू है। सबको इस देश में अपना व्यू है, उनको रखना चाहिए। कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको एक दूसरे को एक संग काम करना चाहिए। रजनीश जैन, हाउ आर यू? लवली, आपसे मिले थे उस दिन। वेरी नाइस टू हैव मेट यू रजनीश जैन जी। मिस्टर रियांग, हिरण जॉय रियांग, देखिए, एमपी का कोई कैंडिडेट नाम डिसाइड नहीं हुआ है। बलराम दे, नमो अगेन, वी आर ऑलवेज विथ नमो। ओम नमो शिवाय, ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर बलराम दे। यू लाइक नरेंद्र मोदी? वेल, यू हैव एवरी राइट टू लाइक नरेंद्र मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हूं। सुप्रतिम दत्ता, मैं सिर्फ त्रिपुरा के बारे में बात करूंगा। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के बारे में बात करूं। देखते हैं, लेकिन त्रिपुरा में हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आकाश देव वर्मा, हैदराबाद से, कैसा है आकाश? हेलो चिबाई, चिबाई किशोर मौसम, चिबाई शर्मिला। देखिए, पार्टी आते रहता है, लेकिन कुछ कुछ इशू में हर पार्टी को एक होना चाहिए। फॉरेस्ट बिल होना चाहिए एक, सीएबी एक होना चाहिए। कहीं कहीं में आपका रोमन स्क्रिप्ट, हर पार्टी को, आंचलिक हो या नेशनल पार्टी हो, एक होना चाहिए। उसको मैं कहता हूं पोयला जाति उलो पार्टी। कुछ कुछ इशू में हमको एक होना चाहिए। हमारे जो डुम्बुर में जो जमीन चला गया, वहां में हमारे जो तिपरासा लोग हैं, मोग लोग हैं, चाकमा लोग हैं, उनको जमीन नहीं मिलता है। फॉरेस्ट से आप हटाएंगे उनको जमीन, उनको पट्टा मिलना चाहिए, उनको जहां में है वहां में रहना चाहिए, उनको आप नहीं हटा सकते। उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम सबको एक होना चाहिए। उसको कहते हैं पोयला जाति उलो पार्टी। हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो सकते हैं, लेकिन इस इश्यूज में, जहां में समाज का उद्धार हो, उसमें हमको एक होना चाहिए। राजेश देवर्मा, आई लव यू टू। प्रभात, कहम नो संजीत, बेलाई नो हम्बाई। सुदीप्ता नंदी, यस यू आर राइट, ग्रुपिज्म इन कांग्रेस पार्टी हैज टू एंड। एंड सुदीप्ता नंदी जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरे तरफ से ग्रुपिज्म नहीं होगा। मैं बिरजीत बाबू को आदर करता हूं, मैं गोपाल बाबू को आदर करता हूं, अभी अभी समीर बर्मन आए हैं, मैं उनको आदर करता हूं। जो भी कोई और पार्टी में है, उनको वापस वापस आना है अपने कांग्रेस पार्टी में, मैं सबको आदर करता हूं। अपने पार्टी को छोड़ के भी मैं विजय रांखोल को आदर करता हूं, मैं राजेश्वर को भी प्यार करता हूं, मैं शुक्ला नुआतिया को भी प्यार करता हूं, मैं अनिमेश को भी प्यार करता हूं, सबको प्यार करता हूं। तो मैं ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करता हूं, और मैं मुझे लगता है कि ग्रुपिज्म को छोड़ के हमको दूसरे दूसरे पार्टी से भी जो आना चाहते हैं उनको लाना चाहिए। और एक बात बहुत क्लियर है कि हम सबको प्यार करते हैं। ये जो परिवार जहां से मैं आता हूं, वहां में मैं, ये मेरा दल है, वो मेरा दल है, मैं वो नहीं देखता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि त्रिपुरा आगे बढ़े। भास्कर देव जी, यस यू सपोर्ट बीजेपी एंड यू रिस्पेक्ट मी एंड लव मी, थैंक यू। वेल, यू सपोर्ट बीजेपी एंड दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू सो मच दैट यू रिस्पेक्ट एंड लव मी। आई ऑल्सो लव यू भास्कर देव जी, बिकॉज आप बीजेपी से पहले एक त्रिपुरा के हैं,
तो हम बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएनपीटी, आईपीएफटी देखकर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते। आप पहले त्रिपुरा के हैं, इसके लिए मैं आपको प्यार करता हूँ। बीजेपी आपका चॉइस है, वो आपका चॉइस है, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक दूसरे का आदर कर सकते हैं, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सुमन देव वर्मा, मैंने हमेशा बोला था कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के भी मैं अपना पोजीशन कभी बदलूंगा नहीं, क्योंकि जो आदमी पद लेकर चुप हो जाता है, जो पद पावर लेके अपने ओरिजिनल जो उनका सोच था उसको हटके आप सिर्फ पावर के पीछे भागते हो, वो आदमी, वो इंसान कभी अपने समाज का भलाई नहीं करेगा। इसी के लिए मैंने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बनूं ये परमानेंट नहीं है, लेकिन मैं जो पहले बोलता था वो आज मैं बोलूंगा। पहले मैं त्रिपुरा में बोलता था, अब ये मैं आवाज दिल्ली ले जा रहा हूं। इसी के लिए मैंने कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट में मैंने पास करा दिया। अब डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी में पास कराऊंगा। जितने अपने जमीन जो हमने खोया है फॉरेस्ट बिल में, डुम्बुर में जो हुआ है उसको भी मैं वापस रिहेबिलिटेट करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं प्रमोट करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी मैं प्रमोट करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट को आज प्रमोट करने से क्या होता है, सबको लगता है कि त्रिपुरा में बहुत नौकरी है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे कर सकता हूँ? मैं तभी खत्म कर सकता हूँ जब मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दू। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, तभी तो आप कल बाहर जाकर नौकरी ले सकते हैं। इसी के लिए मैं कहता हूं कि हमको अपनी शिक्षा को इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन, रोमन स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल त्रिपुरा, अपूर्वा, यू मे हैव बिकम माइनॉरिटी बट क्वालिटी डज नॉट डिपेंड इन नंबर्स। लुक एट अ स्मॉल कंट्री लाइक सिंगापुर। इतना छोटा कंट्री है देश है सिंगापुर, लेकिन दुनिया के ऊपर में है। क्यों? इंग्लैंड इतना छोटा देश था, लेकिन उसने पूरे दुनिया में, आधे दुनिया में उन्होंने राज किया। क्यों? हमको सीखना चाहिए। अभी देखिए कितना फोन कॉल जा रहे हैं। होल्ड ऑन। जी हिमाद्री सरकार, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय श्रुति, हाउ आर यू? हाउ आर यू श्रुति? माय लव टू ऑल फ्रॉम बंगाल। नमेंगा स्टीफन सांगमा, नमेंगा सुंदर अली, सलाम अलैकुम, जरूर मिलेंगे। साधन जमतिया, पुइला जाति, उलो पार्टी, यस, क्योंकि कभी कभी हमको समाज के बारे में बोलना चाहिए। किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं, हमेशा अपने समाज के भलाई के लिए बोलिए। किसी को खराब आपको बोलने का दरकार नहीं। थैंक यू। जैसा दार्लोंग, आई लव माई दार्लोंग पीपल। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम द दार्लोंग पीपल। दार्लोंग लोग सिर्फ बहुत कम नंबर्स में है, लेकिन दार्लोंग समाज में एजुकेशन से बहुत आगे लोग चले हैं। वाइस चांसलर आज है, इतने लोग हैं दार्लोंग समाज से, क्योंकि हमने दार्लोंग समाज को हमें शिक्षा आई, उन्होंने एक दूसरे को मदद किया। हम लोग वी हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम द दार्लोंग पीपल। आई लव माय दार्लोंग पीपल। थैंक यू सो मच। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स राइट नाउ, तो मैं रखता हूं। आई होप सब चीज क्लियर है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। राहुल गांधी 20 तारीख को अगर त्रिपुरा आ रहा है, आई होप दैट, मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि जब राहुल गांधी आए तो उसको सुनने के लिए आप जरूर आए, क्योंकि वहां भी मैं जो मेरे दिल में है मैं सबको बोलूंगा। मैं लीडर के सामने चुप नहीं रहता हूं, जो मेरे दिल के अंदर मैं सबको बोलूंगा। और आप लोग सब पहुंचिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आवाज इतने साल से दबाया हो गया था वो अब नेशनल लीडर आकर हम सबको बोले। खुमुलुंग में बोले, अगरतला में बोले, उदयपुर में बोले, ये आवाज सब जगह में जाना चाहिए, कैलाश शहर में जाना चाहिए, सब जगह में जाना चाहिए। इसी के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि
कि आप लोग जरूर आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेलाई नो हम बाय, बाद में फिर से बात होगा। अभी अभी के लिए शुभ रात्रि, सब एक दूसरे से प्यार कीजिए, सब का सम्मान कीजिए, और ये इलेक्शन में आप वोट कीजिए। झगड़ा, गुंडागर्दी और वायलेंस हमें नहीं चाहिए। जो भी आपको करना है, त्रिपुरा का नाम रोशन करना है, आपको जिसको भी वोट करना है आप कीजिए, लेकिन जो भी कीजिए अच्छे तरीके से कीजिए। इलेक्शन 5 साल में होगा, चला जाएगा, लेकिन हमको दूसरे दल का भी सम्मान करना चाहिए, दूसरे विद्रोही का भी सम्मान करना चाहिए, और उनको भी हमारा सम्मान करना चाहिए। गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए और करप्शन को आप हटाइए। थैंक यू सो मच, आई शेल सी यू वेरी सून, बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि, हर कहाम।